देखिए अक्सर राजधानी रांची के जो मंदिर हैं उसमें तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, और अपने सहयोगी धर्मेंद्र को कहेंगे धर्मेंद्र दिखाएं किस तरह का यहाँ नज़ारा है। ये राजधानी रांची का तपोवन मंदिर है और तमाम जगहों से जो लोग महावीरी झंडा लेकर आते हैं इस प्रांगण में आते हैं, और यही वो तपोवन मंदिर है जहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है और तमाम लोग आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद लगभग 1 बजे के आसपास में तमाम जगहों से जुलूस निकलेंगी और राजधानी रांची के मेन रोड होते हुए ये तपोवन मंदिर में आएंगे। हमारे साथ कई भक्तगण हैं, उनसे जानते हैं क्या ये जो रामनवमी है क्या कुछ लेकर आता है और कितना उल्लास रहता है आप लोग। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत ही यहाँ पे आने पे बहुत शांति मिलती है और प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पे एकदम अवश्य ही आते हैं और बहुत शांति मिलते है यहाँ पे। क्या क्या यहाँ मनोकामना पूरी होती है आप? हाँ, खूब मनोकामना पूरी होने के कारण बार बार लोग भक्त लोग यहाँ आते हैं, है ना, और हर साल उमंग से यहाँ पर एक भीड़ के रूप में जुटते हैं लोग और अपने मनोकामना के लिए बार बार अपेक्षा रखते हैं कि हर मनोकामना पूरा हो। देखिए अच्छा है, जो तमाम लोग हैं महिलाएं भी हैं, मैं महिलाओं से बातचीत करूंगा। देखिए महिलाएं भी, हालांकि रामनवमी का जो त्यौहार है उसमें काफ़ी उल्लास होता है लोगों में, लोग अखाड़े खेलते हैं, महिलाओं में भी काफ़ी उल्लास है। आप लोग किस रूप में मनाती हैं ये रामनवमी के? भगवान श्री राम का जन्मदिन है आज, भगवान बजरंग बली का उत्सव बहुत बड़े धूमधाम से रांची शहर में मनाया जाता है। इसी के बातों में अपने धन्यवाद देती हूँ। और लोग भी हैं, आप लोग किस रूप में इसको मानते हैं? बहुत अच्छे रूप में मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है पूजा करके। यहाँ पे जो अखाड़े होते हैं, अखाड़े देखने जाते हैं आप? हाँ, रात भर अखाड़े होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। अच्छा, तमाम लोग हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में जो बताइए। और ये अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा धूमधाम से होता है और ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो गया कि समझिए कि खुशी और उल्लास इतना है कि आदमी को कुछ कहने नहीं है, पूरा भक्त आनंदमय है, पूरा रामनवमी एकदम खुशी और उल्लास के हम लोग मनाते हैं। राजधानी रांची में खासकर यहाँ पे जो हजारीबाग का शहर है, राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ 3 दिनों तक अखाड़े लगते हैं और जुलूस निकलते हैं। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप लोग किस तरह से रामनवमी और कितना उल्लास से यहाँ मनाया जाता है, कितने दिनों से आप लोग देख रहे हैं? मैं भाई बॉन्ड इस मंदिर से, मेरा 34 साल हो गया, मैं 34 साल से अपने पिताजी के साथ आता रहा हूँ, आज भी आ रहा हूँ और बहुत ही खुशहाल तौर से मनाता हूँ। हमारे डोंडा क्षेत्र में झांकी निकली कल रात में, हम लोग उसमें भी थे और आज फिर शाम में फिर जुलूस निकलेगा, उसमें भी रहेंगे। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक बार बोलिए जय श्री राम। और सारे पूरे रांची से झंडे यहाँ पे आते हैं शाम में और 11 बजे रात तक आते रहते हैं। देखिए अक्षय, तमाम लोग हैं और तमाम, मैं कहूँगा सहयोगी धर्मेंद्र को दिखाएं धर्मेंद्र किस तरह का यहाँ पे नज़ारा है, और तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा पाठ दिन भर करते हैं और यहाँ भगवान जो श्री राम का मंदिर है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है तपोवन मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है राजधानी रांची का, और तमाम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं और भगवान हनुमान को भी पूजा करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि रामनवमी के मौके पर हर्षोल्लास का मौका है। और अभी सरहुल बीता है जो आदिवासियों का प्रमुख पर्व था, उसके बाद से ये जो पर्व है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में नई ऊर्जा और संचार का भावना लाता है और लोगों के जीवन को सुखमय बनाता है।